इंडियंस हैं, फ्रेंच है, नेशनल है, उसे हैं, या दोनों कोई फ्रेंच है? नहीं नहीं, ये फ्रेंच नागरिक मतलब भारतीय मूल के फ्रेंच नागरिक है। यहाँ पर देखिए और क्या क्या खास बातें हैं। मैंने बताया प्रधानमंत्री के पगड़ी का जो रंग है, वो पगड़ी का रंग मोटे तौर पर पीला है, आगे आप गुलाबी देखेंगे, पीछे पीला देखेंगे, और प्रभु श्री राम का कलर भी रंग भी यही है। तो राम कास्ट से लेकर राष्ट्रवाद तक सभी जगह मोदी जी संकेतों पर बहुत महत्व देते हैं, संविधान का राजकाज। जी हाँ बिल्कुल, संविधान का राजकाज है। फ्रांस की सेना का मार्चिंग दस्ता आपने देख लिया, बिल्कुल उनका बैंड आपने देख लिया। अब इसका जिक्र जो दीपक जी अभी जनसेना कर रहे थे कि जो फ्रांस की लीजियन है ये उसका जो है, तो लीजियन के जो है कैप्टन खुर्दा वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और इसमें ला बुदा की जो धुन है वो बजाई जा रही है इस तरीके से। लेकिन देखिए ये जो परेड की चुस्ती की हम बात कर रहे थे ना, आप परेड की चुस्ती देखिए तो भारतीय सेना के जो जवान है और उनका जो कदम ताल है वो गजब का कोई मैच नहीं है। हाँ, वो गजब है। और उसकी उसका जो अपना संगीत है, क्या जनरल सेना का गलत नहीं कह रहा हूँ, उसका जो अपना संगीत है जी हाँ, उसका अलग रंग है, वो ताल लय धुन उसके साथ जो कदम कदम मिला के चढ़ते हैं तो अलग है। मगर इसमें जो जो फ्रेंच लेजेंड है, 140 देशों का इसमें नेतृत्व है, 140 देश से लिए जाते हैं, 9000 की संख्या है इनकी, जिसमें आपने कहा ना 6 वो भारतीय जो हैं जो वहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो फ्रेंच के नागरिक नहीं है। 150 ना, ये जो परंपरा शुरू हुई पे भी वहीं से मिलता है, कंटिजेंट है ये भी भारत की परेड के अंदर शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं दबाव तो इनके ऊपर भी रहता होगा कि जिस तरीके से भारत के, क्योंकि अब कंपैरिजन तो होगा ही। बिल्कुल ऐसा है कि जो हमारे भी बाकी देशों में जब उनके परेड्स होते हैं, इंडिया से भी लोग जाते हैं, इंडिया की आर्म फोर्सेस से भी जाते हैं, तो एक जो जो दूसरे देश में जब जा रहे हैं आप परफॉर्म करने के लिए परेड के सामने, तो सबसे अच्छे जो है सैनिक जिनमें तालमेल है उनको भेजा जाता है। वैसे ही उनके देश के जो आए हैं हमारे देश में हमारी परेड में हिस्सा लेने के लिए, तो उनके भी बेस्ट लोग आते हैं ताकि वो अपने परंपरा को अच्छे से दर्शा सके। ठीक है, ये देखिए पीला और गुलाबी कॉम्बिनेशन का प्रधानमंत्री का ये पूरा का पूरा साफा, और अब देख रहे हैं सेना के दस्ते 61 कैवलरी इस वक्त आती हुई, क्या 10 बातें हो रही हैं, वो 10 बातें भी मैं बताता हूं जो इस गणतंत्र दिवस में पहली बार हो रही है। 12 महिलाएं ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाकर परेड का शुभारंभ करेंगी, वो हम देख चुके हैं, पहली बार वुमेन कंटिजेंट की सभी टुकड़ियों को महिला लीड करेंगी, ये भी आने वाला है। सीमा सुरक्षा बल CISF का ऑल वुमेन मार्चिंग और ब्रास बैंड परेड में शामिल होगा, ये हम देखेंगे। दिल्ली पुलिस का ऑल वुमेन परेड कॉन्टिजेंट में भाग लेगा, जिसका नेतृत्व डीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सेना का मिसाइल सिस्टम परेड में भाग लेगा, इसे भी महिला ऑफिसर लीड करेंगी। अनंत सूत्र 18 राज्यों की साड़ियां, ये भी बिल्कुल दीपक जी। देखिए अब जो मैकेनाइज दस्ते हैं वो आ गए हैं, यहाँ पर टैंक नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने कैवलरी के हाथ में जो सफेद और लाल रंग का देखा था ना ध्वज, जो राष्ट्रपति अंगरक्षक के हाथ में भी है, उसमें जो लाल है वो रक्त को बताता है, यानी समर्पण से पहले रक्त, आत्मसमर्पण और रक्त, ये इस तरीके से उसको डिनोट किया गया है, और इसीलिए लाल और सफेद रंग नजर आता है। और देखिए सल्यूटिंग डायस की तरफ मुड़कर, सल्यूटिंग डायस को सलामी मंच को सलामी देने की ये परंपरा है, जिसके अंदर जो गन का टरेट है वो नीचे किया जाता है कुछ देर के लिए, और ये सलामी की परंपरा होती है। जब सलामी मंच के आगे से टैंक गुजरता है तो इस तरीके से उसमें जो दस्ते सवार हैं टैंक पर मौजूद हैं, T-90 भीष्म इसका नाम है, ये रूस से लिया गया भारत का टैंक है, काफी मजबूत माना जाता है ये टैंक, और ये भारतीय सेना का ही जो आर्मर्ड कोर है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है T-90 भीष्म। और आपको देखिएगा जिस तरीके से आप भी जिक्र करें दीपक जी, बहुत सारे नाम है आपको इसके अंदर, नाम आपको मिलेगा भीष्म का, इसमें नाम आपको मिलेगा नाग का, इसमें नाम मिलेगा शिव के धनुष पिनाक का, तो ऐसे जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है वो इन नामों के अंदर भी झलकती है। ब्राह्मोस जी, ब्राह्मोस वो भी विस्तारित लाइसेंस, वो नाम भी हाँ, वो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदी जो है उनसे मिलाकर बनाया गया, भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है वो। और देखिए इस 10 सालों में देखिए अब तमाम अलग अलग तरह के टैंक आपको दिखेगा, पिनाका आपको दिखेगी, आपको T-90 टैंक दिखे हैं, आपको इसके अलावा BMP-2 KK दिखेगी, और वाहन दिखेंगे, ये सब दिख चुके हैं। ये नाग सिस्टम है, है ना, ये नाग मिसाइल सिस्टम है, और नाग जो है ये मिसाइल सिस्टम नामिका पर सवार है, नाग और नामिका की जोड़ी है ये, तो ये नाग और नामिका की जोड़ी है। इसके अंदर जो 6 मिसाइलें आपको दिख रही हैं, इसके अलावा 6 मिसाइलें इसमें स्टोरेज में होती हैं, 12 मिसाइलें इसके अंदर पुल होती हैं, और ये BMP-2 जो एक रशियन प्लेटफॉर्म है
उसके ऊपर ये बना हुआ है और नाग मिसाइल सिस्टम है जिसे शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक